मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। बॉलीवुड को प्रियंका चोपड़ा स्टारर मैरी कॉम जैसी हिट फिल्म दे चुके निर्देशक उमंग कुमार अब एक सच्ची घटना पर बेस्ड फिल्म सिर्फ जीत लेकर आए हैं। 1990 में पंजाब के एक छोटे से गांव भिकीविंट के पंजाबी लड़के सरबजीत की सच्ची घटना पर ये फिल्म बेस्ड है। फिल्म शुरू होती है भिकीविंट से और 4 साल पीछे जाती है तो पता चलता है कि सरबजीत, जिसका के किरदार अदा किया है रणदीप हुड्डा ने, बहुत ही खुशहाल, और अपनी पत्नी सुप्रीत सिंह, जिनका के किरदार अदा किया है ऋचा चड्ढा ने, उनके साथ और अपनी 2 बेटियों के साथ काफी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। साथ ही उनकी एक बहन दलबीर कौर भी हैं, जिसका किरदार अदा किया है ऐश्वर्या राय बच्चन ने, जो सरबजीत को दिलोजान से चाहती हैं, उसके लिए हर किसी से लड़ खड़ी होती हैं। दलबीर की शादी हो जाती है लेकिन उसकी पहली औलाद न बच पाने की वजह से उनका पति उन्हें छोड़ देता है तो वो अपने भाई के पास रहने आ जाती हैं। फिर कहानी 28 अगस्त 1990 में वापस आती है और एक दिन दलबीर अपने भाई को मजाकिया तौर पर सजा देने के लिए उसे बाहर ही रहने को कहती हैं। सरबजीत दरवाजा खुलने का इंतजार करता है, तभी उसका दोस्त शराब लेकर आ जाता है और फिर सरबजीत अपने दोस्त के साथ खेतों में शराब पीने चला जाता है। नशा काफी हो जाने के बाद वो रात के अंधेरे में रास्ता भटक कर पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर जाता है और वहीं से उसे धर दबोचा जाता है। पाकिस्तानी पुलिस उस पर रणजीत सिंह उर्फ मट्टू के गुनाह कबूल करने को कहती है। इसके लिए सरबजीत को महीनों पानी नहीं दिया जाता और उसे कई तरह के दर्दनाक हादसों से गुजरना पड़ता है। आखिर में पाक पुलिस की दरिंदगी के सामने सरबजीत को झुकना पड़ता है और वो कबूल कर लेता है कि वो ही रणजीत सिंह मट्टू है। इसी के साथ फिल्म में दिलचस्प मोड़ आता है और तरह तरह के ट्विस्ट के साथ कहानी आगे बढ़ती है। बात करें अगर फिल्म में एक्ट्रेस की एक्टिंग की तो ऐश्वर्या की कमबैक ये दूसरी फिल्म है। इसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग के साथ पूरा इंसाफ करने की भरसक कोशिश की है। वैसे ऐश्वर्या अपने रोल में बिल्कुल सटीक रही लेकिन कहीं कहीं और भी ज्यादा बेहतर करने की जरूरत महसूस हुई। रणदीप हुड्डा ने भी फिल्म में अपना 100% दिया है, वो सरबजीत के रोल में बिल्कुल फिट दिखे हैं। ऋचा चड्ढा ने भी अपने किरदार को बखूबी निभाया है। दर्शन कुमार, अंकुर भाटिया भी अपने अपने किरदारों के साथ सही दिखे। इसके अलावा बात करें अगर उमंग कुमार के निर्देशन की तो उमंग ने 1990 की सच्ची घटना को बड़े पर्दे पर बड़ी बारीकी से उकेरने की पूरी कोशिश की है उन्होंने। वैसे इस फिल्म के जरिए उमंग ने कुछ अलग करने की भरसक कोशिश की है, जिसकी वजह से ऑडियंस की वाहवाही लूटने में वो काफी हद तक कामयाब भी रहेंगे। भले ही फिल्म की कहानी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी लेकिन इस फिल्म ने ऑडियंस को आखिर तक सीट से बांधे रखा। हमारी तरफ से हम इस फिल्म को 3 स्टार देंगे, पर असली फैसला तो खुद ऑडियंस को करना है कि उन्हें ये फिल्म कितनी पसंद आती है। फिलहाल इसी खबर के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही।